जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल द्वारा रथ सप्तमी का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। परम पूजनीय परमहंस परिवाचकाचार्य योगमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी जी ने नियमित योगाभ्यास द्वारा संपूर्ण मानव जात समाधानी सुखी और निरोगी हो, इसलिए निरंतर योगाभ्यास करने का संदेश दिया। इस तरह योगाभ्यास करते हुए नरका नारायण होने के मार्ग पर मानव जात अग्रसर हो, इस उदात्त हेतु से नागपुर नगर में 1951 से निःशुल्क योग प्रचार का ध्येय रखते हुए योगाभ्यासी मंडल निरंतर कार्य कर रहा है। प्रतिवर्ष रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल सांतिक सूर्य नमस्कार का भव्य कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में हजार से अधिक मात्रा में योग साधक बल बुद्धि और तेज प्राप्त करने हेतु सूर्य नमस्कार द्वारा सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। इस वर्ष 16 फरवरी 2024 को सुबह 6:30 से 8 बजे यशवंत स्टेडियम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गयी। मैं मिलिंद वदलवार, कार्यवाह जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल नागपुर। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष रथ सप्तमी के महापर्व पर सांघिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में 100 के ऊपर साधक 144 सूर्य नमस्कार करते हैं और हजारों के ऊपर साधक एकत्रित होकर समाज को बल बुद्धि और तेज प्राप्ति के लिए सूर्य नारायण की उपासना सूर्य नमस्कार के द्वारा करने के लिए प्रेरणा मिले, इसलिए 12 सूर्य नमस्कार करके यह कार्यक्रम 16 तारीख को यानी आते 16 शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी 2024 को सवेरे 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में यशवंत स्टेडियम में होने जा रहा है और हर 2 साल के बाद एक और औचित्यपूर्ण कार्यक्रम करते हैं कि जिसमें अपने भारतवर्ष के आने वाले नागरिक यानी विद्यार्थी के दशा में जो है आज विद्यार्थी जो है उनको संस्कारित किया जाए, उनमें सुसंस्कारित करके एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिले, इसलिए स्वर्गीय भानुदाई गडकरी स्मृति शालेय सांघिक योगासन स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।